हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के सेशन में हम लोग जो है पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करें, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन क्यों इम्पोर्टेंट है, बड़ा सा अजीबोगरीब सवाल है। चलिए इजी बात है। देखिए, नाइट्रोजन जो है वो एक्चुअली जितने भी ये प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबके लिए जरूरी है। रीजन ये कि नाइट्रोजन जो है वो आपका एमिनो एसिड बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। एमिनो एसिड जो है वो फिर प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हम सब में से जितने भी हैं सब तो उसी से बने हैं ना, राइट? तो चाहे मान लो कि प्लांट हो, सॉरी तो मान लो कि चाहे प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, राइट, दोनों को जो है कहीं ना कहीं बनने में जो है क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, राइट? और प्रोटीन के लिए जो है, प्रोटीन बनने के लिए जो है आपको चाहिए एमिनो एसिड, और इसके लिए आपको चाहिए नाइट्रोजन। अब आप तो बहुत खुश हो जाइएगा कि भाई अगर सबके लिए प्रोटीन ही चाहिए, सॉरी सबके लिए नाइट्रोजन ही चाहिए, तो नाइट्रोजन तो हमारे पास बहुत है। क्योंकि पता है कि नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% के आसपास नाइट्रोजन अवेलेबल है। बहुत खुशी की बात है ना। फिर तो लोचा कहां पर है? तो देखिए, लोचा ये है कि नॉर्मली जो आपके एटमोसफियर में नाइट्रोजन मौजूद होता है, वो नाइट्रोजन जो है वो N2 के फॉर्म में होता है, और इस फॉर्म में जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो यहां पर किसी काम का नहीं है। तो अब यहां पर क्या होगा कि पहले इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है काम का नाइट्रोजन बनाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब होता है किसी भी चीज को उसके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड फिक्सेशन, ठीक है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, जहां पर कि हम इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है काम वाले नाइट्रोजन के फॉर्म में जो है चेंज करेंगे। तो ये कैसे होता है ये प्रोसेस? सो वेल लेट अस लुक एट इट। इसको हम लोग डिटेल में भी डिफरेंट प्रोसेसेस को हम पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू जो है ये पूरा प्रोसेस बताता हूं कि ये कैसे एग्जैक्टली काम करता है, ठीक है? तो एटमॉस्फेयर में जो है हमारा नाइट्रोजन वो किस फॉर्म में अवेलेबल था? वो जो है सॉरी आई नीड टू गेट द पेन। वो जो है हमारा N2 के फॉर्म में अवेलेबल था, राइट? तो N2 के फॉर्म में जो हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है, ये देखिए तीन तरीके से जो है ये कह सकते हैं कि हमारे काम में आता है। एक तो हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू बैक्टीरिया, ओके, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू एक होता है आपका। दूसरा जो है इट इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या होता है? HABER, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस जो कि फैक्ट्री वगैरह में यूज होता है, देखते हैं ना वो यूरिया खाद वगैरह सब जो खेत में डालते हैं आप, NPK वगैरह सब, है ना? तो वो हैबर प्रोसेस, वो इंडस्ट्रियल मेथड हो गया। तो चाहे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का रोल हो या फिर हैबर प्रोसेस के थ्रू हो, इस प्रोसेस से जो है बनता है आपका अमोनिया। ये जो है आपका हो गया NH3। तो इस प्रोसेस से जो अब आपका अमोनिया आया है, अमोनिया का फिर फर्दर होगा नाइट्रिफिकेशन। तो इसके लिए आपको चाहिए नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है? नाइट्रिफिकेशन के बाद जो है ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका नाइट्राइट। दिस इज योर NO2। अब यहां पर जो है काम नहीं चलेगा। अब इसके बाद जो है फर्दर नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो है इसके ऊपर एक्ट करेंगे, और वो जो है इसके ऊपर एक्ट करके फिर से नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया वो फर्दर इस पे काम किया,
और फिर आपको क्या मिल गया यहां पर, अब आपको मिल गया नाइट्रेट, ठीक है। जो कि हो गया आपका NO3। अब ये NO3 जो है ये रूट्स के द्वारा जो है लिया जाएगा, प्लांट्स के रूट के द्वारा अपटेक बाय रूट्स, और रूट्स के द्वारा जब लिया जाएगा तो मान लीजिए प्लांट में जो है ये प्लांट प्रोटीन बनाएगा, प्लांट प्रोटीन को खाए जब एनिमल्स खाएंगे तो फिर जो है क्या बनेगा, एनिमल प्रोटीन, राइट। तो यहां तक का प्रोसेस तो देखिए इधर हो गया, लेकिन एक चीज और जान लीजिए कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या हैबिट प्रोसेस के थ्रू ही नहीं आता है, ये एक और प्रोसेस के थ्रू आता है, वो प्रोसेस है आपका लाइटनिंग वगैरह का। तो लाइटनिंग वगैरह जो है वो डायरेक्ट आपका जो है नाइट्रेट बना देता है, फॉरेस्ट फायर, लाइटनिंग, लाइटनिंग, फॉरेस्ट फायर, सो फोर्थ। तो ये जो है डायरेक्टली जो है नाइट्रेट फॉर्म करेगा। तो अब चलिए यहां से जो है आपको नाइट्रेट मिला, नाइट्रेट को प्लांट ने यूज किया, प्लांट को जो है फिर प्लांट प्रोटीन उसको जो है लेके एसिमिलेट करके प्लांट ने प्लांट प्रोटीन बनाया, प्लांट प्रोटीन को खा के जो है एनिमल जो है उसको प्रोटीन मिल गया। यहां पर जो है एक और प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है और इसी प्रोसेस के थ्रू जो है आपका एक्चुअली नाइट्रोजन साइकिल भी कंप्लीट होता है। यहां पर जो है आपके फिर सेप्रो कहते हैं कि कह सकते हैं आपके सेप्रोबायंट्स जो हैं वो एक्ट करते हैं, वो इस लेवल पे भी काम करेंगे, वो इस लेवल पे भी काम करेंगे। इसमें जो है होता है आपका जो कहते हैं कि जो आपका ऑलरेडी जो प्रोटीन बना है एनिमल प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन है इसको सरा गला के जो है ये क्या करते हैं तो इसको जो है फर्दर डिकम्पोज करके जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिफिकेशन का प्रोसेस कर देते हैं डिकम्पोजिशन के द्वारा। तो यहां पर जो है अमोनिफिकेशन, फिर से होता है इन दोनों स्टेप्स में। यहां पर जो आपका नाइट्रेट के फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, नाइट्रेट के फॉर्म में जो नाइट्रोजन आपका मौजूद है तो यहां पर जो है एक और प्रोसेस हो सकता है, that will be the process of denitrification. Denitrification में क्या होगा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रेट को जो है ब्रेक करके और उसमें से नाइट्रोजन को एटमोस्फियर में रिलीज कर देते हैं और इस तरीके से जो है एटमोस्फियर में नाइट्रोजन पहुंच जाता है और नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। अब इसको जो एक बार मैं दोबारा जो है आपको रिव्यू करके बताता हूं। तो देखिए बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ये आपका नाइट्रोजन जो है वो मौजूद है, राइट। जो ये नाइट्रोजन मौजूद है एटमॉस्फेयर में इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए पहला स्टेप जो होगा वो होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो ये प्रोसेस होगा तो ये जो है दो तीन तरीके से होता है। एक तो हो गया आपका जो नेचुरल जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है उनके द्वारा एक होता है, ये अमोनिफिकेशन का प्रोसेस हो गया जहां पर इसको अमोनिया में बदला जाता है नाइट्रोजन को, ठीक है, अमोनिफिकेशन प्रोसेस जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के द्वारा होता है, जैसे कि राइजोबियम वगैरह सब, या फिर जो हैबर प्रोसेस है जो कि फैक्ट्री वगैरह में यूज होता है उनमें भी जो है ये स्टेप होता है। अब अमोनिया के फॉर्म में चेंज होने के बाद क्या होता है कि फिर जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, फिर वही नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है NO3। अब यहां पर जो नाइट्रेट के फॉर्म में जो ये चेंज होता है तो यहां से फिर दो तरह का पॉसिबिलिटी आता है। एक तो ये होगा कि इसको जो है रूट के द्वारा प्लांट जो है अपने रूट्स के द्वारा इसको जो है अपने में लेगा और इससे जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन बनाएगा, प्लांट जो प्रोटीन बनाएगा उसी प्रोटीन को जो है एनिमल खाएगा, अब एनिमल जो है उसको भी प्रोटीन मिल गया। लेकिन यहां पर ये प्लांट हो या एनिमल हो इसको इवेंचुअली जो है मरना है, राइट, प्लांट हो या एनिमल हो सबको मरते हैं तो इनका बॉडी जो है वो डिकम्पोज होता है, राइट, सड़ता गलता है। तो ये जो सराने गलाने वाले जो होते हैं माइक्रोब्स वो उन्हीं में से कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो अमोनिफिकेशन का प्रोसेस फिर से करते हैं यहां पर, यानी कि सरने गलने के बाद इसको वापस जो है वो
अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद फिर से ये प्रोसेस जो है नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्राइट, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट, ये चलेगा। लेकिन इस स्टेज पर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस स्टेज पर दो रास्ता खुलता है, एक तो हो गया कि नाइट्रेट को जो है प्लांट रूट जो है वो अपने अंदर खींचेगा और प्लांट प्रोटीन बनाएगा, दूसरा रास्ता यहां से खुलता है कि जो डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया हैं वो जो है इसको डिनाइट्रिफिकेशन करके जो है इसको दोबारा जो है एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है, तो बिल्कुल सीधी साइकिल नहीं है ऐसे करके ये यहां पर कि एक डायरेक्शन में फ्लो चलते चलते जहां शुरू हुआ वहां पहुंच गया, इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, राइट। तो एक हुआ कि इधर से जो है एनबीएफ के थ्रू आया, अमोनिया बना, अमोनिया से जो है फिर नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, राइट। तो ये एक स्टेप हो गया। नाइट्रेट वाला स्टेज ऐसा है जहां से कि एटमॉस्फेयर में वापस भी जा सकता है डिनाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्रोजन, और यहीं से जो है प्लांट रूट जो है उसे एब्जॉर्ब भी करेगा। प्लांट रूट जितने नाइट्रेट को एब्जॉर्ब किया उससे जो है वो प्लांट प्रोटीन बनाएगा, प्लांट प्रोटीन जो है फिर प्लांट को चूंकि एनिमल्स खाते हैं तो एनिमल प्रोटीन भी उसी से बनेगा। इवेंचुअली प्लांट या एनिमल जब सड़ेंगे, गलेंगे, मरेंगे, राइट, तो फिर जो है उनके डिकम्पोजिशन के थ्रू जो है उनका सड़ना गलना होगा, और इस प्रोसेस में अमोनिफिकेशन होगा जिसके थ्रू जो है इनके डिकेइंग मटेरियल से ही जो है दोबारा अमोनिया फॉर्म होगा। ये अमोनिया फिर जो है नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया की मदद से जो है नाइट्रेट वाले स्टेट तक पहुंचेगा, फिर से इसमें से जिसको वापस जाना होगा कुछ वापस जाएगा, जिसको प्लांट्स के द्वारा यूज होना है वो प्लांट्स के द्वारा यूज होगा, समझ गए। और इस तरीके से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन हमारे यूज में आता है, और साथ ही साथ जो नाइट्रोजन मान लीजिए कि नाइट्रेट स्टेट में जो फ्री हो गया वो वापस एटमॉस्फेयर में चला गया, और इस तरह से साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है। यू कैन यू नो लाइक पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई मेकिंग दिस डायग्राम मोर क्लीनली इन योर नोटबुक, ओके। तो खैर चलिए, यहां पर जो हमने क्या देखा सबसे पहले कि इसमें जो है जो मैंने अलग अलग प्रोसेस बताए हैं, एनबीएफ के थ्रू जो होता है दिस इज कॉल्ड योर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। लाइटनिंग वगैरह, लाइटनिंग फॉरेस्ट फायर के थ्रू जो होता है इसे कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और यहां पर हैबर प्रोसेस जो है ये आपका हो गया इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो एक बार जब फिक्सेशन हो जाता है तो फिक्सेशन के बाद जो यहां पर ये अपटेक बाय रूट्स का जो प्रोसेस हम देख रहे हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या हो गया, जहां पर कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स वगैरह होते हैं जिनके रूट्स में जो है ये राइजोबियम वगैरह मौजूद होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एसिमिलेट करते हैं, ठीक है। एसिमिलेट करके क्या करेंगे, उससे जो है वो प्लांट प्रोटीन बनाएंगे। अब एक बार जब मान लो कि मैंने क्या कहा कि प्लांट प्रोटीन बनेगा, तो प्लांट प्रोटीन से ही क्या बनता है, प्लांट प्रोटीन को खाके जो है एनिमल प्रोटीन बना। अब रिमेंबर कि चाहे प्लांट प्रोटीन हो या एनिमल प्रोटीन हो बेसिकली क्या होता है, ये बॉडी बिल्डिंग में ही काम करता है ना, राइट। तो इवेंचुअली दोनों को मरना है ही, मरने के बाद इनको सड़ना गलना है ही, और जो ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो जिन माइक्रोब से होता है वो क्या करते हैं, तो प्रोटीन को दोबारा जो है किसमें चेंज कर देते हैं, प्रोटीन जो बना नाइट्रेट से उसको जो है वो फिर से जो है चेंज कर देते हैं अमोनिया में, राइट। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाता है। अमोनिफिकेशन से जो है फिर से नाइट्रिफिकेशन होगा, जो कि हमने जो है यहां के स्टेप में देखा था कि अमोनिफिकेशन के बाद जो है फिर से नाइट्रिफिकेशन होगा, जहां पर कि फिर से जो है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहीं पर जो है कुछ डिनाइट्रिफाइंग जो है बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, ठीक है। डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो है नाइट्रेट पर जो है एक्ट करते हैं, और उस एक्ट के थ्रू वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन गैस को जो है और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, और इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। तो इस तरह से डिनाइट्रिफिकेशन वाला पार्ट जो है ये पार्ट इस साइकिल को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहां पर कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, फिक्सेशन के बाद नाइट्रोजन का एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन के बाद जो है क्या होगा, प्लांट प्रोटीन बनेगा या फिर एनिमल उसी प्लांट प्रोटीन को खाके जो है एनिमल प्रोटीन बनेगा। एनिमल प्रोटीन या प्लांट जो एनिमल या प्लांट प्रोटीन है, जब एनिमल या प्लांट मरेंगे तो उसके बाद जो है जब इनका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा तो ये दोबारा जो है अमोनिफिकेशन होगा, दोबारा से जो है प्रोटीन को अमोनिया में बदला जाएगा। अब ये जो अमोनिया बना है ये जो है नाइट्रेट के फॉर्म में जो है चेंज होगा, जिसमें कि जो नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो मौजूद है सॉइल में वो रोल प्ले करेंगे,
ठीक है, नाइट्रेट के फॉर्म में जब ये चेंज होगा तो फिर से जो है इसमें से कुछ का एसिमिलेशन हो जाएगा, लेकिन यहीं पर कुछ डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया मौजूद रहेंगे जो कि इन नाइट्रेट पर एक्ट करेंगे और इसमें से नाइट्रोजन गैस को जो है एटमोस्फियर में रिलीज कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, और इस तरीके से हमारा नाइट्रोजन साइकिल जो है वो पूरा हो जाएगा। तो ये रहा आपका नाइट्रोजन साइकिल। अब इसके बाद जो है एक छोटा सा पोर्शन है फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, एंड आई डोंट थिंक यू नीड टू बी यू नो लाइक टॉट दिस थिंग, ये आप खुद से पढ़ के जो है खत्म करिएगा, एंड दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। ओके, सो जस्ट यू नो लाइक गो थ्रू इट, कंप्लीट द एक्टिविटीज असाइंड इन द असेसमेंट जोन, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।